हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज है 30 जुलाई और ये है हमारा डे 14 ऑफ 100 डेज ऑफ व्लॉगिंग चैलेंज। और सुबह उठ के मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। और मैं सुबह उठ के देखता हूँ, ये देखो मैडम का क्या चल रहा है। सुबह सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश करे ये मेहंदी लगाने में लग गई है, क्योंकि कल है तीज। तीज की पूजा के लिए थोड़ा सा मेहंदी वगैरह लगा रही है। पता नहीं क्या मकोड़े से मार रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मकड़ी के जाले से बना दिए। डोंट मकोड़े हनी, आने आने से मत दिखाओ, प्लीज डोंट डू इट। नहीं मैं नहीं यार, गलत बात है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाते हैं। तो आज जो है हम जिम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारा काम करना है। तो हमारा जो वर्कआउट है वो उसमें ही हो जाएगा, क्योंकि पैकिंग करनी है, अनपैकिंग करनी है, सामान ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज वर्कआउट नहीं करेंगे, हमारा वर्कआउट ऐसे हो जाएगा। हाँ बोलो। तो अभी कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। या तो शेक बनाएंगे या फिर जो कल का बचा हुआ उसमें से कुछ खाते हैं। सो गाइस, अभी जा रहे हैं नए वाले घर में, वहाँ काम चल रहा है, वो देख के आ रहे हैं और छोटा मोटा एक दो चीज़ें हैं वो रख के आ रहे हैं। सो गाइस, अभी पेंट का काम चल रहा है, इसको लगेगा टाइम, अभी सूखेगा, मतलब अभी पुट्टी उट्टी हुई है, उसके बाद पेंट वेंट होगा। तो भैया कह रहे हैं कि लंच तक ये दोनों रूम रेडी कर देंगे, लंच के बाद फिर हम एक रूम में सामान शिफ्ट कर देंगे, बाकी कल तक कंप्लीट होगा। क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा वैसा है ना, गीला, मतलब मौसम भी थोड़ा वैसा है ना, बारिश वारिश वाला, बारिश आ ही रही है, तो उस चक्कर में सूखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी हो जाता। बाकी व्यू बढ़िया गाइस यहाँ का। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं बल्टाना मार्केट फर्नीचर के लिए। घर में पेंट का काम चल रहा है, शाम को शिफ्टिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार बल्टाना मार्केट होके आ जाऊँ मैं, कि कैसे कैसे क्या फर्नीचर है देख लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे ऑफिस के काम के लिए भी जाना है, फिर आपके पैकिंग करके फटाफट से शिफ्ट करना है। तो ये आज का शेड्यूल है, बहुत सारे काम आज सब मेरे को ही करना पड़ेगा, अभी ऑफिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस, मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर है। उसको ये झूले पसंद आ रहे हैं, ये जो काम की चीज है ना वो तो ले नहीं रही है, झूले झूले कर रही है। A few hours later. So guys, almost packing हो गई है, पैकिंग होके सामान अभी लोड हो रहा है। सारा ने जो है अपने कुछ ऑफिस से बंदे बुला लिए थे, जिसकी वजह से काम थोड़ा इजी हो गया। अब ऑलमोस्ट खाली हो गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये कुछ सामान बचा हुआ है, मतलब थोड़े बहुत कपड़े वपड़े बचे हुए हैं, वो हम कल वैसे ले जाएंगे गाड़ी में डाल के। बाकी जो है किचन का, फ्रिज वगैरह, टेबल वगैरह, पीसी वगैरह, ये सब साफ हो गया है। अभी सामान जो है नीचे गाड़ी में लोड हो रहा है। ये रहा सारा सामान जो भी लोड हो रहा है, लोड हो के फिर ये पहुँचेगा और हम भी चलते हैं साथ में, क्योंकि हमें जो है अपना वाईफाई का इंस्टॉलेशन करवाना है। वाईफाई का इंस्टॉलेशन वाला भैया भी आ गए हैं, तो वो करवाते हैं, जल्दी से चलते हैं और सामान को अनपैक करवाते हैं वहाँ जाके। हाँ जी मैम, अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी ना, इस बेवकूफ ने ना कार्टन बॉक्स फेंक दिए, पिछली बार जो आए थे ना शिफ्ट हो गए, ये सारे फेंक दिए, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वरना अगर अभी कार्टन बॉक्स होते तो इतना इजी होता है, ये सारा सामान ना एक बार में चला जाता। तो जितना बचा हुआ है ना थोड़ा बहुत ही, अब हम कल जैसे से करके वो खाली करके फिर लेके जाएंगे। सामान ऑलमोस्ट लोड हो गया, चलने के लिए सब रेडी है। ये टेबल रह गई है, इसका देखते हैं कैसे करेंगे, जगह बना रहे हैं अभी, शायद रेजिडेंट्स को दिक्कत हो रही है, उनके लिए स्पेस बना रहे हैं, उसके बाद दोबारा। अच्छा हाँ, आगे हैं पीछे रखेंगे दोबारा से। तो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं, सामान हमारा गाड़ी अभी आगे आगे गई है, उन लोगों को हम लोगों ने बता दिया रास्ता कहाँ का है। वैसे भी ये मेरे लोग हैं, मेरी लेबर है, ये सब जानती है, मेरी तरह बहुत इंटेलिजेंट है, हमें उनको प्राउड फील होता है समटाइम्स। निकल गए वो लोग, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यस,
जा रहा है हमारा सामान। ये तो गाइस सामान आ गया हमारा सोसाइटी में, अभी इसको ऊपर शिफ्ट करवाना है और फिर अनपैकिंग वगैरह तो शायद हम कल ही कर पाएंगे, आज तो नहीं होगी, आज रखवा देते हैं। सो गाइस भैया और ने बहुत मेहनत करके सामान जो है ऊपर चढ़ा दिया है, हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता, अगर मैं और सारा लगे रहते तो हमसे तो नहीं हो पाता, सही किया हमने हेल्प ले ली, ठीक है। और अभी हमने क्या किया, अभी उनके लिए समोसे पैक करा लिए, समोसे और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि जो इतनी मेहनत करते हैं ना तो थोड़ा बहुत ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए और खाने को मिल जाए तो फिर मेहनत करने में मज़ा आता है। तो अभी चलते हैं अपने घर पर और खिलाते हैं। A few hours later. So guys, हम लोग चंडीगढ़ आए हुए हैं मेन मार्केट में, क्योंकि मुझे ना कल तीज के लिए थोड़ा शॉपिंग करनी है, मम्मी के लिए थोड़ा बहुत कुछ लेना है, कल पूजा का सामान लेना है और उसके साथ साथ मुझे अपनी भी एक दो चीजें लेनी है, तो हम जा रहे हैं मार्केट। गाइस हम आए हुए मार्केट में जहाँ मतलब तीज की शॉपिंग कर रहे हैं, तो सारा बिजी है शॉपिंग करने में पीछे मार्केट में, और मेरे को लगी थोड़ी सी भूख तो मैं कुछ जा रहा हूँ कुछ थोड़ा सा चाट टाइप कुछ खाने के लिए। तो गाइस घर आ गए फाइनली, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, पहले यहाँ से पैकिंग वैकिंग करवाई, सामान लोड करवाया, फिर वहाँ पे सामान पहुँचवाया, उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग करने गए, बीच में फर्नीचर मार्केट भी गए और मैंने मेहंदी भी लगा ली, मेहंदी भी लगा ली है। तो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, कल चलेंगे अपने घर। मेहंदी दिखाओ। ओके सी गाइस, तो ये मेहंदी लगाई है। तो कल तीज है तो पहले घर पे काम वाम चल रहा है वो फिनिश करवाने के बाद तीज वीज की पूजा वूजा करेंगे और फिर अपने घर में अच्छे से गृह प्रवेश करेंगे और सारा सामान सेट वेट करके अच्छे से सारा सेटअप करेंगे। तो कल का दिन भी हेक्टिक होने वाला है, तो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।